आगे चलता हूं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, और गिरने वालों को तो होती तकलीफ, गिरने वालों को तो होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इन शब्दों के साथ में मैं आनंद पन्हा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ये ब्रज इंद्रा अभ्यक्ति मंत्र मंच उनका स्वागत करती है। स्वागत है आपका। सरस्वती को नमन है अध्यक्ष जी और आप सब की अम्मत से। मैं जैसा कि आप लोग शायद जानते हैं कि गजल मुख्य रूप से मैं कहता हूँ, दोहे माहिये कहानियाँ भी मैंने लिखी हैं गजल की, लेकिन बात गजल की तो एक अलग तरीके की गजल मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा हम लोगों का जो समय है, लगभग सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो उस समय पर ले चलते हैं आपको जी। कि अम्मा का श्रृंगार बस इतना होता था, अम्मा का श्रृंगार बस इतना होता था, पायल बिछिया चूड़ी बिंदी कजरा था। क्या बात है, क्या बात है। अम्मा का श्रृंगार बस इतना होता था, पायल बिछिया चूड़ी बिंदी कजरा था, बाबू को भी सजने की खातिर केवल, बाबू को भी सजने की खातिर केवल धोती कुर्ता सदरी पगड़ी गमछा था। क्या बात, सही। बाबू को भी सजने की खातिर केवल धोती कुर्ता सदरी पगड़ी गमछा था, और बाबू चाचा ताऊ उनसे डरते थे, बाबू चाचा ताऊ उनसे डरते थे, घर में बाबा का ही सिक्का चलता था। क्या बात, ये हम लोग के समय की बिल्कुल सही बात है। और सारे बच्चे साथ उन्हीं के सोते थे, सारे बच्चे साथ उन्हीं के सोते थे, दादी माँ का आंचल अंबर जैसा था जी। क्या बात है, सारे बच्चे साथ उन्हीं के सोते थे, दादी माँ का आंचल अंबर जैसा था, और कहाँ मजाल किसी की घुसे रसोई में, कहाँ मजाल किसी की घुसे रसोई में, इतना पावन घर का चूल्हा चौका था जी। कहाँ मजाल किसी की घुसे रसोई में, इतना पावन घर का चूल्हा चौका था। राब, राब जानते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद दिला दिया आपने, पहले बता दिया। राब बताशा गुड़ ही मिले मिठाई में, जी राब बताशा गुड़ ही मिले मिठाई में, पकवानों में पुआ गुलगुला मिलता, जी जी पकवानों में पुआ गुलगुला मिलता था, और है लरिकवा फलाने का सब कहते थे, है लरिकवा लोले साहब, है लरिकवा फलाने का सब कहते थे, नाम हमारा केवल बच्चा होता था। बाप के नाम से पहचाने जाते, है लड़कवा फलाने का सब कहते थे, नाम हमारा केवल बच्चा होता था, और सड़कों पर पहिया दौड़ाना लुका छिपी, सड़कों पर पहिया दौड़ाना लुका छिपी, खेल हमारा कंचा गिल्ली डंडा था, खेल हमारा कंचा गिल्ली डंडा था, और गोबर से लीपे जाते थे फर्श सभी, गोबर से लीपे जाते थे फर्श सभी, बिन एसी कूलर के कमरा ठंडा था जी। गोबर से लीपे जाते थे फर्श सभी, बिन एसी कूलर के कमरा ठंडा था। और आखिरी शेर इस गजल का कि छानी छप्पर अक्सर टपका करते थे, छानी छप्पर अक्सर टपका करते थे, कच्चे घर थे लेकिन रिश्ता पक्का जी। क्या छानी छप्पर अक्सर टपका करते थे, कच्चे घर थे लेकिन रिश्ता पक्का था, पक्का था। अम्मा का श्रृंगार बस इतना होता था, पायल बिछिया चूड़ी बिंदी। क्या बात, क्या बात। मैं भाई साहब से, मैं क्या स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल निवेदन करता है कि एक गजल और आपकी हो जाए। आनंद पन्हा जी स्वागत है आपका, एक गजल और आपकी चाहते हैं, एक गजल और आप पढ़ें। आदेश महफिल का सिराखों पर दो चार शेर गजल के तरनों में देख लें जी। जी बिल्कुल। उनकी आँखों से जब मिली आँखें, क्या बात, उनकी आँखों से जब मिली आँखें,
उनकी आंखों से जब मिली आंखें देर तक फिर खुली रही क्या बात है, देर तक फिर खुली रही आंखें उनकी आंखों से जिंदगी में बढ़ा अंधेरा तो जिंदगी में बढ़ा अंधेरा तो जुगनू की चमक उठी ये इसमें कंट्रास्ट का प्रयोग देखिए जिंदगी में बढ़ा अंधेरा तो जुगनुओं की चमक उठी ईर्ष्या से जुगनुओं की चमक उठी आंखें और बड़ा गौर कीजिएगा अच्छा शेर लगा मुझे माँ कहीं और थी मगर उसकी नारायणी जी आपको पेश है माँ कहीं और थी मगर उसकी किफल के साथ चल पड़ी हमारे बच्चा क्या बात है माँ कहीं और थी मगर उसकी किफल के साथ चल पड़ी आके माँ की आके बच्चे के साथ साथ ही बहुत सुंदर माँ कहीं और थी मगर उसकी किफल के साथ चल पड़ी आके अगला शेर देखें उरिया कहते हैं नग्न को जिस्म उरिया जिधर नजर आए जिस्म उरिया जिधर नजर आए बस उसी सिमट गड़ गई बस उसी सिमट गड़ गई आज के दौर पे शेर बच्चियों से दरिंदगी देखी बच्चियों से दरिंदगी देखी आज के दौर की झुकी आज के दौर की झुकी आके और गजल का आतिश है बारहा बात हमसे करती है बारहा बात हमसे करती है कांच के फ्रेम में जड़ी कांच के फ्रेम में जड़ी आंखें उनकी आंखों से जब मिली आंखें देर तक फिर खुली बहुत बहुत ही शुक्रिया बहुत ही अच्छी गजल अभी एक शेर आपने जो बेटियों के लिए पढ़ा बहुत ही उम्दा शेर था उसके लिए मैं आपको सांत्वना देता हूँ इरफान और कहना चाहता हूँ कि बेटियां यदि सीख सुन लें तो भला हो जाएगा बेटियां बेटियां यदि सीख सुन लें तो भला हो जाएगा और दोस्त दोस्ती और दुश्मनी का फैसला हो जाएगा बेटियां यदि सीख सुन लें तो भला हो जाएगा दोस्ती और दुश्मनी का फैसला हो जाएगा न दीजिए एकांत उनको चाहे जितना खास हो न दीजिए एकांत उनको चाहे जितना खास हो और कुत्ता भी एकांत पाकर भेड़िया हो जाएगा भेड़िया हो